सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, इवन बेटर प्राइसिंग, बट स्टिल एक ब्रांड एक एक ऑर्डर के लिए मोहताज होता है और उसी टाइम पर उसी प्रोडक्ट को सेल करके एक ब्रांड इतने ऑर्डर्स करता है कि उसके लिए फुलफिल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और पिछले 8 सालों में मैंने सेवरल ई कॉमर्स बिजनेसेस बिल्ड किए हैं इन स्मार्टफोन एक्सेसरीज एंड होम डेकोर के निश में, जिसके थ्रू हम कलेक्टिवली आज के दिन में लगभग 1 लाख प्लस ऑर्डर्स मंथली करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों अबाउट द पावर ऑफ ब्रांडिंग। इस वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा एक पर्सनल एंड रिलेटेबल स्टोरी के साथ में। तो मेरा जयपुर आना जाना बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता रहता है, मेरा जयपुर में बिजनेस भी है और बहुत सारे फ्रेंड्स भी वहाँ रहते हैं, तो लगभग मंथ में एक बार मैं जयपुर चला ही जाता हूँ और ये पिछले 8-10 सालों से ऐसा ही है। तो दोस्तों जब भी हम जयपुर जाते हैं तो नॉर्मली घर पे खाना खाते हैं, जिनके जैसे फ्रेंड्स के घर पे गए हैं, रिलेटिव्स के घर पे गए हैं तो वहाँ खाना खाते हैं, बट दिन में लगभग एक बार तो हो ही जाता है ऐसा कि हम बाहर खाना खाते हैं। और जब बाहर खाना खाना होता है तो एक बहुत ऑब्वियस ऑप्शन होता है हमारे पास में, हाईवे किंग। ठीक है, हम नॉर्मली मैंने अगर जयपुर में बाहर कह सकते हैं कि अगर 100 बार खाना खाया होगा बाहर तो उसमें से कम 50 से 60 बार ओनली हाईवे किंग पर खाया होगा। ठीक है, तो एक दिन की बात है हम पहुंचे हाईवे किंग एंड हम अपनी गाड़ी लगाने के लिए जगह देख रहे थे वहां पर पार्किंग के लिए, तो कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी, सारा कुछ एकदम फुल पैक था। तो उसके बिल्कुल साथ में ही एक और रेस्टोरेंट था, हमने वहां पर गाड़ी लगा दी। तो वहां के वॉचमैन ने आके बोला कि सर प्लीज़ गाड़ी मत लगाओ यहां पर। हमने बोला भाई साथ में ही जाना है, अभी आ जा देंगे थोड़ी देर में। तो बोला नहीं सर प्लीज़, हमें सर मना करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि डांट लगती है ये वो बातें वो बोल रहा था। हमने उसको बोला कि भाई बस हम अभी जाके आ रहे हैं, थोड़ी देर में खाना खा के आना है। तो उसने बोला सर यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी खाना मिलता है। तो हमने बोला कि ठीक है ट्राई कर लेते एक बार यहाँ पर भी। उस जगह का नाम था होटल अमर विलास। ठीक है, हम वहाँ एंटर होते हैं एंड लिटरली वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस, देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन द होल रेस्टोरेंट। ठीक है, फिर हमने अब पहले तो थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब वहाँ पे दो लोग खड़े थे कि आइए सर, वेलकम सर, बैठिए सर ऐसा। तो हमने कहा ठीक है यार, एक नज़रों की जो शर्म होती है उसकी वजह से हमने कहा कि ठीक है अब आ गए हैं तो खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक नॉर्मल पैटर्न बना होता है कि क्या खाते हैं, तो वही जीरा राइस कर दो, दाल फ्राई कर दो, ग्रीन सैलड कर दो वगैरह वगैरह, हमने ऑर्डर कर दिया। कुछ देर में ऑर्डर आ भी गया, हमने खाना खाया, खाना वॉज लिटरली वेरी डिसेंट। हमें एक्चुअल में बिल्कुल पता नहीं लगा कि वो ऑर्डर हाईवे किंग से आया है या अलग से आया है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि लगभग सेम ही किचन से खाना आया हो, सेम वैसा ही टेस्ट था। और हमने ये देखा कि अल्टीमेट उसकी प्राइसिंग भी बेटर थी एज़ कम्पेयर टू थोड़ा हाईवे किंग के मुकाबले में। लेकिन ठीक है, हमने खाना वाना खाया, हम बाहर निकले तो हम आपस में बात कर रहे थे कि भाई देखो दो रेस्टोरेंट है एकदम साथ में, इनफैक्ट दोनों की एक ही वॉल है, ठीक है कम्बाइंड वॉल है, और एक जगह पर इतना रश है लगभग कम से कम यानी उस टाइम की अगर मैं बात करूँ डिनर के टाइम की, तो 300-400 बंदा बड़ी आसानी से हाईवे किंग के अंदर बैठा होगा, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की एक भी जगह नहीं थी, पूरी गली वली सब कुछ हमने देख लिया। और वहीं पर उसी पॉइंट पर उसी टाइम पर साथ में एक रेस्टोरेंट है बिल्कुल साथ में, जहाँ पर एक भी पर्सन नहीं बैठा था। अब वहाँ का खाना भी अच्छा है, ठीक है क्वालिटी भी अच्छी है, और इनफैक्ट प्राइसिंग भी अच्छी है, बेटर है प्राइसिंग, बट स्टिल वहाँ पर कोई बैठा क्यों नहीं है, वहाँ पर कोई क्यों नहीं जाता खाना खाने। तो दोस्तों यहाँ पर आती है बात द पावर ऑफ ब्रांडिंग। आप अपने ब्रांड को जब बिल्ड करते हो और कंसिस्टेंट उसके ऊपर एफर्ट्स करते हो तो उससे ये चीज़ क्रिएट होती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे ये सेम चीज़ आप अपने बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाईवे किंग का एग्जांपल ओनली, और उससे आप समझेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट वर्किंग ऑन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। अगर आप कभी भी जयपुर गए हो या आप दिल्ली के रूट से गए हो या चंडीगढ़ वाले रूट से गए हो या किसी भी आसपास वाले रूट से गए होंगे तो आपने जरूर रास्ते में देखा होगा चूक ना जाना किंग का खाना। और दोस्तों चाहे किसी ने जयपुर जाके किंग का खाना खाया हो या ना खाया हो, लेकिन हर पर्सन ये हेडलाइन को जरूर पढ़ता है और उसके जुबान पे कहीं ना कहीं ये रहता जरूर है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है कि लोगों को अपने ब्रांड रिकॉल के लिए, यानी कि आपके दिमाग में एक ब्रांड रह जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत कंसिस्टेंट वर्किंग करता है हाईवे किंग, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो दूसरा रेस्टोरेंट था उससे कहीं भी कोई भी बैनर या कोई भी ब्रांडिंग मार्केटिंग नहीं दिखती है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कोई भी ब्रांड करना मिस नहीं कर सकता, और अगर कर रहा है तो वो अपने लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर वर्किंग करना। तो
अगर आप हाईवे किंग पर कभी भी गए होंगे और अगर नहीं भी गए हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आप हाईवे किंग में जाओगे और कहीं भी बैठे हो, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो सामने, अगर उस तरह बैठे हैं तो पीछे, आपको एक बोर्ड दिखाई देता है जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में एक नंबर लिखा होता है और उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि प्लीज शेयर योर फीडबैक कमेंट्स एंड एनी सजेशंस। तो वो बेसिकली सजेशंस क्वारीज पूछते हैं लोगों से कि आपको हमारी चीज़ में क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, और अगर कोई भी कंप्लेंट है आपकी तो आप हमारे साथ में शेयर करो एंड हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। एंड दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होता। सेम चीज़ें हम जब ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं तो हमें करनी चाहिए। दोस्तों नॉर्मली बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो अंधाधुंध सिर्फ फेसबुक ऐड के ऊपर, गूगल ऐड के ऊपर और ऑर्डर फुलफिलमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको करना भूल जाते हैं, वो है कस्टमर फीडबैक एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ के ऊपर ध्यान देना। तो कस्टमर फीडबैक लेना इज नाउ नॉट एन ऑप्शन एनी मोर, बट वो एक मैंडेटरी चीज है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली आज से ही करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान देना। अगर आप हाईवे किंग पर जाते हो तो आपको खाना तो अच्छा मिलता ही है, उसके साथ में आपको कभी भी सर्विस के लिए 2 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। मैं इतने सालों से, पिछले 8-10 सालों से जयपुर रेगुलर जा रहा हूँ, और कभी ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ बैठे हो, कोई पर्सन ऑर्डर लेने ही नहीं आ रहा, या आपने कोई ऑर्डर दे दिया और उसके बाद में बहुत देर तक कोई खाना ही नहीं आया। वो बहुत रेगुलर टच बना के रखते हैं, वो थोड़ी देर बाद आपके लिए पानी की बॉटल लेके आ जाएंगे वहाँ रखेंगे, फिर कुछ देर बाद थाली लेके आ जाएंगे वहाँ आपके टेबल पर रख देंगे। कहीं ना कहीं वो आपके साथ में इंटरेक्ट होते रहते हैं, और अगर आपको कुछ भी चाहिए या आपको कुछ भी पूछना है तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि भाई खाना कहाँ रह गया यार, कितनी देर में आएगा यार। नॉर्मली लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि उनका सामान कहाँ है। अगर हम एक ई कॉमर्स बिजनेस या कोई भी बिजनेस की बात करें तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि उनका सामान कहाँ है या फिर उनको डिलीवरी अभी तक क्यों नहीं मिली। प्रॉब्लम ये होती है कि उनको कोई अपडेट नहीं होती, उनको कुछ पता नहीं होता कि है कहाँ, कब मिलेगा। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पर आप कस्टमर के साथ टच पॉइंट बना के रखते हैं तो इससे कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मेंटेन रहता है, और उसको पता रहता है कि हाँ भाई इतनी देर में चीज़ आने वाली है, इतने दिनों में चीज़ आने वाली है। तो इस एग्जांपल से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि रेगुलर कस्टमर को अपडेट्स देता रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगेन, अगर आप अपना एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर आप ले आए, मार्केटिंग आपने कर दी, फेसबुक पे स्पेंड कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट अगर ऑर्डर आने के बाद में कस्टमर को सामान 3 दिन या 4 दिन बाद मिलना है तो आपकी तरफ से रेगुलर बेसिस पर अपडेट जरूर जाते रहने चाहिए। सबसे पहले कि ऑर्डर कन्फर्मेशन की अपडेट, देन जब ऑर्डर पिकअप हो गया तो उसकी अपडेट, जब ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी आया तो उसकी अपडेट, इस तरीके की जो भी टच पॉइंट्स हो सकते हैं उन पे हमें कस्टमर को अगर हम अपडेटेड रखते हैं तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन स्कोर काफ़ी हाई रहता है। तो दोस्तों अब पॉइंट आता है कि ठीक है, हाईवे किंग वाले एग्जांपल से हम काफ़ी कुछ समझ गए हैं, लेकिन अब हमें एक्चुअली में करना क्या है। तो जैसा मैंने सबसे पहले आपको बता ही दिया कि आपको कस्टमर फीडबैक लेना मैंडेटरी है। अगर आप कस्टमर फीडबैक के बिना काम कर रहे हो तो वो अपने आप में एक वैसी चीज़ है कि आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो। और दोस्तों अगर अंधेरे में आप गाड़ी चला रहे हो तो चाहे आप जितने मर्जी संभल के गाड़ी चलाओ, जितने मर्जी मेहनत से या अवेक रह के काम करो, बट स्टिल कभी ना कभी आगे ना पीछे आपका एक्सीडेंट होना, आपकी गाड़ी का खड्डे में जाना तय है। तो उस सब से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप अपनी गाड़ी हेडलाइट के साथ चलाओ, प्रॉपर लाइटिंग के साथ चलाओ, यानी कि कस्टमर फीडबैक के साथ में आप अपने ब्रांड को ग्रो करो। फोर्थ पॉइंट इज ट्रैक NPS। NPS का मतलब होता है नेट प्रोमोटर स्कोर। अगर दोस्तों आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, बहुत मेहनत भी कर रहे हो, बहुत पैशन भी है आपके अंदर, और आप अपना दिन रात एक करे बैठे हो, लेकिन अगर आप NPS ट्रैक नहीं कर रहे तो ये बेसिकली वही वाली बात हो गई कि आप सब कुछ तो कर रहे हो, आपकी स्पीड भी अच्छी है, आपका डेडिकेशन भी अच्छा है, बट आपका डायरेक्शन ही सही नहीं है। एंड दोस्तों आप खुद समझ सकते हो कि अगर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो सूनर और लेटर आपका जो धंधा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, वो नुकसान में जाएगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका धंधा बंद भी हो जाए। दोस्तों मोर देन 80% बिजनेसेस जब वो स्टार्ट होते हैं उसके 1 साल के अंदर अंदर ही बंद हो जाते हैं, और जो बाकी बिजनेसेस भी रहते हैं वो भी काफ़ी देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। 3-5 साल तक सिर्फ 5-7% बिजनेसेस रह पाते हैं, बच पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। इस सब के पीछे यही पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेक इट श्योर कि आप अपने धंधे में, आप अपने बिजनेस में ये सभी चीज़ें जरूर कर रहे हों। फिफ्थ पॉइंट इज, इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बहुत रिसेंटली सीखा, अभी जस्ट मैं कुछ दिनों पहले एक
इवेंट में गया था, वहां पर एक पर्सन ने बताया कि जो लेंसकार्ट के फाउंडर हैं पीयूष गोयल, हम सब जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस कह सकते हैं या फिर मोस्ट पॉपुलर शार्क ऑन द शार्क टैंक इंडिया, उनका उनके बारे में ये बताया किसी ने कि वो खुद भी अपने मंथ में एक दिन कस्टमर सपोर्ट में लगाते हैं। और दोस्तों आप समझो, अगर आप अपने बिजनेस पे इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बहुत डैम सीरियस हो, सब कुछ ठीक आपकी तरफ से आप कर रहे हो, लेकिन अगर ग्राउंड पे वो चीज़ वैसे नहीं जा रही है या लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जो आपको पता ही नहीं है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। टीम जो होती है वो नॉर्मली बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि कमियों को कवर करती है, वो प्रॉब्लम को फाउंडर्स तक आने ही नहीं देती। उनको ऐसा लगता है कि सर को ये पता चलेगा तो सर गालियां देंगे, डांटेंगे, मना करेंगे, हो सकता है किसी की जॉब भी चली जाए। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप ग्राउंड रियलिटी से टच में रहो, और उसके लिए डजंट मैटर आप कितने बिजी हो, आपका शेड्यूल कितना टाइट है, आप कितने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन मंथ में मिनिमम एक दिन आपको अपने कस्टमर सपोर्ट में लगाना चाहिए। वहां पे एक्चुअल में आप कॉल्स रिसीव करो, अब देखो कस्टमर की क्या क्या कंप्लेंट्स आती हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको पता नहीं है इसलिए सॉल्व नहीं हो रखी। जैसे ही हमें एक चीज़ के बारे में पता लगता है, हम बोलते हैं यार इसमें तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ करने की ऐसा सोचने की क्षमता हर एम्प्लॉय के पास में नहीं होती। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जब हम खुद कस्टमर की बात को सुनते हैं, उनकी पेन पॉइंट्स को जानते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस बिल्ड करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने कस्टमर सपोर्ट में मिनिमम एक दिन महीने में जरूर दो। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे आप समझ सकते हो कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ ब्रांडिंग, छोटी छोटी चीज़ें करके कैसे आप अपने ब्रांड को बेटर बिल्ड कर सकते हो, और आप अपने बिजनेस की सक्सेस में बेसिक्स काम करके कितना बड़ा चेंज ला सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल के ऊपर एक बहुत ही फिनोमिनल और वीडियो है, उसका टाइटल है 6 मेथड्स ऑफ गेटिंग अ कस्टमर टू योर बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, 6 तरीके हैं अपने बिजनेस तक किसी भी कस्टमर को, क्लाइंट को लाने का। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखें, एंड आई होप कि आपको उस वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई है चीज़ तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में और जो आपके बिजनेस कोलीग्स हैं उनके साथ में वीडियो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।